गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लासेज में आप सबका स्वागत है और यूपीएस में भी। आज अपन बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए अपन लेके आ रहे हैं त्रिकोणमितीय वर्तीय फलन चैप्टर सेकंड। चैप्टर जो सेकंड है आपका क्लास 12 का, उसका नाम है प्रतिलोम वर्तीय फलन। मतलब वर्तीय फलन बोले तो एक तरह से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में आप इसमें पढ़ाई करते हो। तो त्रिकोणमितीय फलन वैसे तो बहुत देखे हैं आपने, साइन कॉस टेन कॉस एक कॉस एक, बचपन से छह फलन होते हैं, तो आज भी सिक्स ही फलन है, बट इनकी जो डिग्री होगी वो इनवर्स में होती है, तो ये आपको ऐसे दिखते हैं। तो कुल मिला के कुल फलन कितने होते हैं? छह फलन होते हैं साहब। प्रतिलोम वर्तीय फलन कौन कौन से होंगे? नंबर एक साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स से लेकर कहां तक कॉसेक इनवर्स, ये तो हो गया आपकी पहली बात, ठीक है। दूसरी बात अगर अपन बात करें, बचपन से अपन पढ़ रहे हैं कि कल को साहब साइन 45 का अगर मान निकालें तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, ये आपका 10th लेवल। और अगर आप इसको इनवर्स में बदलें अपन, तो देखो मैं साइन को उधर ले जा रहा हूं, तो साइन उधर जाते ही इनवर्स में बदल गया था, आगे क्या लिखा हुआ 1/√2 और इधर क्या है 43 डिग्री। ये जो मैंने लिखा है ना साइन इनवर्स 1/√2 और इधर 43 डिग्री, तो ये जो आप ये देख रहे हो कि इनवर्स के अंदर जो ये एक्स है ना, ये कौन आ गया? संख्या। ये कोई भी संख्या, एक नंबर, एक मान है साहब। और इधर 45 कौन है? कौन है? एंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स एक्स में जो मैं एक्स लिख रहा हूं, ये एक्स कौन है? ये थीटा नहीं है, एक्स जो है वो कोई भी एक संख्या या मान है। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? कोण मिलता है। ये बेसिक है, जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको समझ लो, बहुत कुछ समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स को जब भी मैं सॉल्व करूंगा तब मुझे कोई ना कोई एंगल मिलेगा, या कॉस इनवर्स एक्स को जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कोई ना कोई एंगल मिलेगा। इस तरह से कॉसेक इनवर्स तक की ये सेम कार्ड है। तो आपके पास में दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपके पास, कि कल को मैं साइन इनवर्स एक्स देखूं तो मेरे पास में दो बातें आ जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक्स कौन है, तो एक्स का एक्स जो है वो भी एंगल नहीं, क्योंकि अपन बचपन से देखते हैं कि साइन के बाद में जो है वो थीटा होता होगा, जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि इनवर्स आप पढ़ रहे हो तो दस कहानी उल्टी है। तो ये जो एक्स है ना, ये कौन है? ये तो है मान, कोई भी नंबर यहाँ मिलने वाला है आपको, और जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एंगल, नंबर एक बार। दूसरी बात, यहाँ पे जो माइनस वन आप देख रहे हो ना, ये माइनस वन इसको रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस वन व्यक्त करता है प्रतिलोम को। माइनस वन किसको व्यक्त करता है? प्रतिलोम को। प्रतिलोम बोले तो इनवर्स को। माइनस वन किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रतिलोम को। इसका मतलब ये जो माइनस वन है ये क्या नहीं है? घात नहीं है। क्या नहीं है? घात नहीं है, ये डिग्री नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। माइनस वन सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोम को व्यक्त करता है। अगर जैसे ये पावर होती तो आप इसको यू लिख लेते 1/sin, और 1/sin आपका क्या हो जाएगा? कोसेक। फिर प्रतिलोम को आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए माइनस वन सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है प्रतिलोम को। तो प्रतिलोम वर्तीय फलन में सबसे पहले बात करें अपन तो छह फलन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। दूसरी बात अगर अपन करें कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स है या कॉस इनवर्स एक्स में जो एक्स है ये कौन है, तो ये कोई भी एक नंबर या वैल्यू या संख्या या मान है, और इसको जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे एक कोई ना कोई कोण मिलने वाला है। दूसरी बात की जो माइनस वन में देख रहा हूं, ये माइनस वन कौन है? ये माइनस वन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो बेसिक बातें हो गई। तीसरी बात अगर अपन बात करें तो 11th क्लास में आपने 10th लेवल पे पढ़ा होगा, एक तो टेबल याद होनी चाहिए 0 से 60, 90 तक, 0 पे साइन 0 की वैल्यू 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। फिर बात करें अगर अपन प्रांत और परिसर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। प्रांत और परिसर, परिसर का एक और नाम होगा मुख्य नाम, राइट है।
यहाँ पे अपन बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स, यहाँ अपन बात करेंगे कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ अपन बात करेंगे सेक इनवर्स एक्स और यहाँ अपन बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स। प्रांत और परिसर में ज्यादा भले आपको रामायण पता नहीं हो, लेकिन आपको सीधा सीधा ये पता होना चाहिए कि इस छह फंक्शनों में तीन फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। तब जब भी कोई आंसर आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलता है थीटा, तो इनका जो थीटा होगा ना भी वो होगा माइनस 90% प्लस 90%। बस भले आपको ज्यादा प्रांत और परिसर भले पता नहीं हो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का जो भी आंसर मिलने वाला है वो आएगा माइनस 90% 90%। माइनस 90% 90% का भाव क्या हुआ, जैसे कल को अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब साइन इनवर्स 1 का मान बताओ, तो आपको टेंथ लेवल पे सोचना है कि साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, साइन की वैल्यू कहाँ होती है 90%। तो आपका आंसर क्या आएगा 90%। अब जिस बच्चों को जैसे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स आती है एग्जाम लेवल पर देखता है, तो एक जो है ना वो 90 के अलावा भी कहीं और जगह भी होता है, ठीक है। तो अब आप एक 90 के अलावा और आगे का एंगल देख लो, क्योंकि आपने चतुर्थांश पढ़े हैं क्लियर क्लास के अंदर, तो आपको पता है कि साइन पॉजिटिव यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप और देखो तो उसमें वो चीजें इंक्लूड नहीं होगी, ओनली आपको 90 तक ही खेलना है। दूसरा, अगर कल को यही पर साइन इनवर्स माइनस 1 आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के पाई बाय 2। सिंपल है, तो प्लस पे 90 और माइनस पे माइनस 90, तो आपका आंसर माइनस 90 से 90। माइनस 90 से 90 का मतलब माइनस 90 से 0 तक तो नेगेटिव, 0 से 90 तक पॉजिटिव। ये स्टोरी हो गई आपकी साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अब बाकी के जो तीन फंक्शन बचे हुए हैं इसके अंदर कौन कौन से, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। अब ये तीन फंक्शन अपने पास कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। ये जो तीन फंक्शन आप देख रहे हो इसका जो कोण का जो वैल्यू होगी इसकी रेंज होती है 0 से π। कहां से कहां तक, 0 से π। तो आपको मैंने टेबल जो आपको बताया उसका मैंने आपको सॉल्यूशन सारांश बताया। मैंने आपको प्रांत और परिसर के से पहले आपको ये बताने की कोशिश करी कि कौन से फंक्शन कहां कहां तक प्ले करते हैं। तो तीन फंक्शन ऐसे हैं जो माइनस 90 से 90 तक खेलेंगे, इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स आएंगे, जो आपको ध्यान रखना है। बाकी के जो तीन फंक्शन बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स 0 से π। 0 से π का मतलब जो बच्चा समझदार है उसको पता है ये आपकी धनात्मक है, पॉजिटिव। जैसे भी याद करो आपने 11th में पढ़ा होगा कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू प्लस के कॉस थीटा, याद आ रहा है। तो ये तीन जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक खेलेंगे, 0 से π। इसका मतलब जो इनका जो एंगल का जो आंसर मिलने वाला है वो मुझे 0 से π में मिलने वाला है। जैसे इधर देखो आप कॉस इनवर्स 1/2। अब ये बिल्कुल 10वीं वाले बच्चों को भी एक बार पूछे ना कि भाई कॉस की वैल्यू 1/2 कहां होती है। 10th वाले बच्चे को कॉस 60 का मान पूछते हैं, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और इसी को चूंकि अपन इनवर्स पढ़ रहे हैं तो अपन इसको उल्टा पूछ रहे हैं। अपन पहले तो 10th में ही पूछा करते थे कॉस 60 की वैल्यू बता रहे, अब अपन 12th लेवल पे क्या पूछेंगे, अपन ये पूछेंगे कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहां होती है। तो आपका आंसर आवाज भी 60 है, तो आंसर कितना होगा 60। फिर आपको देखना है कि 60 0 से 180 के बीच में आता है क्या, बिल्कुल आता है, कोई दुख भरी कहानी नहीं है। लेकिन अगर कल को यही माइनस का 1/2 हो और इसका उत्तर अगर आप माइनस 60 देने की सोच रहे हो तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसकी जो मुख्य संख्या होगी वो होगी 0 to π। अब आपका माइनस 60 गलत है तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपको इसको 0 से π के बीच में लाना पड़ेगा। तो जब भी ये जो तीन फंक्शन आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, कॉस इनवर्स एक्स के अंदर अगर एक्स की संख्या माइनस किया जाए, या सेक इनवर्स एक्स में भी अगर कल को एक्स माइनस आ जाए, और कॉट इनवर्स एक्स में भी अगर कल को एक्स माइनस आ जाए, तो आपका जो उत्तर होगा ना भाई वो होगा पाई माइनस थीटा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा। इसका मतलब जो भी थीटा जाएगा उसको पाई में से घटा देंगे, तो पाई माइनस थीटा, थीटा बोले तो पाई बाई 3। ये रेडियन फॉर्म होगी इसकी, तो 3π में से 1π कम करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 2π/3। तो आपका उत्तर आ जाएगा 2π/3। कितना,
2π/3, इतना 2π/3, 2π/3 जीरो से 180 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो आपने किस रेंज में आंसर दे दिया, जो आपकी चक्र की मुख्य डिमांड थी। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो अपने इस परिसर मुख्य मान रेंज के अंदर प्ले करते हैं। उस रेंज को मैंने आपको ज्यादा लोडेड भी बताया, क्योंकि कोरोना में वैसे बहुत लोडेड हो रहे हैं अपन, तो मैंने आपको कोशिश करी इजी वे में बताने की। इजी वे में आपको तीन फंक्शन ऐसे ध्यान रखना है जो -90 से 90 में प्ले करते हैं, और तीन फंक्शन 0 से 5 में करते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कल को मुझे इन फंक्शनों में अगर x की वैल्यू नेगेटिव दिख जाती है, तो अगर मेरे पास में x नेगेटिव आ गया तो मेरा जो आंसर होगा ना वो होगा π-θ, और सर अगर पॉजिटिव आ गया तो बिल्कुल 10वीं लेवल का आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक जो मैंने बताया वो आपको एग्जाम बोर्ड एग्जाम में एक नंबर पक्का दिला देता है। पक्का कैसे दिलाएगा वो देखिए, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर अपन बात करें, कल को आपके पास क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स -1/2। अब आप ये देखोगे कि ये इसकी जो रेंज है वो आपको पता नहीं कि कहां से कहां तक जाता है, -90 से +90 वाला आदमी है। इसका मतलब अगर इसके अंदर संख्या धनात्मक है तो कोण भी धनात्मक ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और अगर इसके अंदर एक्स नेगेटिव है तो आंसर भी थीटा भी नेगेटिव आएगा। तो 1/2 कहाँ होता है साइन की वैल्यू, तो 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री का जो रेडियन होता है वो होता है π/6, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। 3 अगर ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, और कौन सा इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। अगर कल को इधर x की नेगेटिव आ जाए तो कोई बात नहीं, इस माइनस को 12 ले लो, टेन इनवर्स x आपका आंसर है, इस माइनस को 12 ले लो, कोसेक इनवर्स आपका आंसर है। इधर कोई दुख भरी कहानी नहीं है, अगर प्लस का है तो प्लस में आंसर है, माइनस का है तो माइनस का आंसर है। जैसे आप शुरू पूछे कि भैया टेन इनवर्स 1 बताओ, प्लस का है तो सीधा सीधा 45 डिग्री, और अगर कल को टेन इनवर्स -1 है तो आपका आंसर जाएगा -45 डिग्री। कोई लॉट की बात है या बिल्कुल नहीं है सब। इधर अगर अपन बात करें इन्हीं का उल्टा, इस पे आ जाओ कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में -2 लिख रहे हैं, 1/2 का उल्टा है तो वही 3 डिग्री, कौन सा वाला, -3 डिग्री, ये आपका उत्तर हो गया। और अगर ये प्लस का है तो +3 डिग्री, इसका मतलब जैसा है वैसा ही उत्तर आ जाएगा। अगर x प्लस का है तो आंसर एंगल प्लस का जाएगा, और अगर x माइनस का है तो एंगल आपका माइनस का जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें बाकी के जो तीन फंक्शन है, कौन कौन से, cos इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड sec इनवर्स x, उसके अंदर दो कहानियां हैं, उसके अंदर दो स्टोरी ये है। क्योंकि ये जो है ये फंक्शन खेलते हैं 0 से 5 में। अगर कल को cos इनवर्स में x प्लस का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा भी आपका प्लस का होगा। लेकिन अगर कल को cos इनवर्स में -x आ जाए तो आपका आंसर होगा π-θ, और इसको दोनिया वाले फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिख देते हैं π-cos इनवर्स x, राइट है। तो बाकी की वही तीन चीजें भी ये सेम काम करेगी। अगर कल को cot इनवर्स x है तब तो आपका थीटा प्लस का होगा, लेकिन अगर कल को cot इनवर्स में -x है तो आपका आंसर होगा π-θ, और कौन सा हो गया sec इनवर्स में अगर -x है तो आपका आंसर होगा π-θ। तो यहाँ इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी के तीन फंक्शनों में प्लस एक्स है तो प्लस एक्स, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, तो बस ये तीन आपको ध्यान रखना है। इसमें ही बच्चा गलती करता है और कोई खास बात नहीं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर कल को इसमें cot इनवर्स में -1 आ गया, अब आप माइनस के 45 आंसर नहीं दे सकते, आप आंसर क्या दोगे, π-θ। तो पाई अपनी जगह पे, थीटा की वैल्यू बन कहां होती, π/4 पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4π में से एक कम करेंगे 3π/4, ये आपका उत्तर होगा। और कल को यही क्वेश्चन नहीं होता tan इनवर्स -1, तो इसमें दुख भरी कहानी नहीं है, 1 कहां होता है π/4 पे, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। तो ये दो सिंपल सी बातें मैंने बताई आपको, और वो दोनों बातों आपको याद रखनी है। कौन सी तीन बातें हैं, कि तीन ऐसे फंक्शन हैं, कौन कौन से, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। अगर कल को इसमें एक्स प्लस का है तो मेरा एंगल भी प्लस का होगा, और अगर एक्स माइनस का है तो मेरा एंगल भी माइनस का होगा, कोई दिक्कत। बाकी के तीन फंक्शन कौन कौन से हैं, बाकी के तीन फंक्शन बच्चे में जो भी है, कॉस है, सेक है, कोट है, अगर इसमें एक्स प्लस का है तो मेरा एंगल भी प्लस का है तो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस का है तो मेरा एंगल माइनस नहीं होकर क्या होगा, π-θ होगा। अब मैं आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के वो दिखा देता हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट पे आप आंसर दोगे। अब बोर्ड वाला क्या करता है, जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे देता है, वो आपसे कह देता है मान याद कीजिए,
और मान याद कीजिए में चार पांच फंक्शन दे देता है बच्चों को डराने के लिए। यहाँ पे लिख देगा cos इनवर्स राइट है माइनस के एक बटा रूट दो प्लस cot इनवर्स माइनस के रूट थ्री प्लस tan इनवर्स ठीक है tan इनवर्स रूट थ्री प्लस cosec इनवर्स माइनस का मान याद कीजिए। तो ये इतना सारा मिक्सअप पे क्वेश्चन आ गया। बस अब आपके जिस बच्चे की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो क्या करेगा सॉल्व, उसको पता है cos, cos में अगर माइनस है तो पाई माइनस थीटा, बस जिसने पाई माइनस थीटा सोचा उसका काम बन गया। एक बटा रूट का कहाँ होता है 45 डिग्री पर, बस ये उत्तर समझ गया। चलो आगे आ जाओ, cot में भी माइनस, cot भी कैसा होता है पाई माइनस थीटा, तो माइनस रूट थ्री कहाँ होता है 60 डिग्री या 30 डिग्री, tan 60 का मान होता है रूट थ्री, तो ये उसका क्या है उल्टा है क्या नहीं है ना, तो नहीं है तो 30 डिग्री का रेडियन बोलो 5/6 ठीक है। हाँ तो इधर tan 60 का मान होता है, अब देखो tan प्लस का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई थ्री हो गया, 60 डिग्री का 5/3 हो गया। रेडियन फॉर्म में आपको आंसर देना है, cosec की वैल्यू बन ना होती 90 पे, लेकिन ये माइनस है तो क्या जाएगा माइनस 90। बस वापस से दोबारा समझा रहा हूँ, cos में माइनस आ रहा है तो उत्तर पाई माइनस थीटा, थीटा का मान भाई 1/√2 कहाँ होता है 45 डिग्री का। चलो आगे cot पाई माइनस थीटा रूट थ्री कहाँ होता है 30 डिग्री पे। आगे चलते हैं tan की वैल्यू रूट थ्री कहाँ होती है 60 डिग्री पे, ये कहाँ होता है माइनस 90 पे। बस अब इसको आपको खूबसूरत बनाना है, तो 4π में से 1π कम करेंगे 3π/4, 6π में से 1π कम करेंगे 5π/6 प्लस 5/3 माइनस के 5/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एक और दिखाता हूँ बस, फिर आप ये समझे कि मेरा कम से कम इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखो छोटी छोटी क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ, tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस ये हो गया sec इनवर्स -√2। ये आपका क्वेश्चन है और आपसे तो कह रहा है कि वैल्यू निकालिए, बताओ tan इनवर्स 1 कहाँ होता है 45 पे, ये माइनस है तो माइनस के 45। बस आपको ये वाला आज भी कैसा होता है पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, फिर ये भी कैसा होगा पाई माइनस थीटा क्योंकि माइनस में 45 डिग्री 5/2, बस ये लिखना है सोल्व करना है माइनस के 5/4 प्लस 3π में से पाई कम करेंगे 2π/3, 4π में से पाई कम करेंगे 3π/4, एलसीएम बोलो 4, एलसीएम बोलो 12। ये हो गया अपने पास 3 बार कट गया, माइनस के 3π, 8π और 9π ठीक है भाई, तो 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 में से 3 कम करेंगे तो प्लस के 14π अकाउंट हो गया 7π/6 आंसर आ जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि 3 फंक्शन पाई माइनस थीटा में खेलेंगे, उस केस में जब आपका कैसा होगा नेगेटिव होगा। तो ये अपनी स्टोरी थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।